इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय एक। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय एक। सुलेमान के राज्य का आरंभ। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। और सुलेमान ने सारे इसराइल से अर्थात सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इसराइल के सब रईसों से जो पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे बातें की। और सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वह वहीं पर था, परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यत्यारीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था और पीतल की जो वेदी उरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पोता था बनाई थी वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया और सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूली के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी और न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगा है जिससे तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहां इसराइल पर राज्य करने लगा। फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12000 सवार थे और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा बन गया। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और अराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे।